दोस्तों, कार खरीदने का सपना हर उम्र के इंसान देखते हैं। उनमें से कई गाड़ियां रोड्स पे आपकी शान बढ़ाती है और दुनिया में कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो सड़क पर चलती है तो गाड़ी में बैठे शख्स के साथ साथ सड़क की भी शान बढ़ा देती है। दोस्तों, आज एक ऐसी कार के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मॉल फैमिली की शान बढ़ा देगी। इस गाड़ी का नाम है टाटा पिक्सल। ये एक डीजल इंजन कार है जिसका दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, बात करें टाटा पिक्सल की तो इस कार को मार्च 2011 के ऑटो एक्सपो जिनेवा में दिखाया गया था और ये एक फ्यूचर की सिटी कार है और इसमें आपको जीरो टर्न देखने को मिलता है और यह कार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आराम से चल सकती है। दोस्तों, बात करें फ्रंट लुक की तो इसमें दो फ्रंट लाइट देखने को मिलती है और टाटा का लोगो और पिक्सल की ब्रांड देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करें डोर्स की तो इसमें जो डोर्स दिए गए हैं वो ऊपर की तरफ खुलते हैं लाइक कुछ लैम्बोर्गिनी की तरह। दोस्तों, बात करें कार के रियर सस्पेंशन के बारे में, यहाँ पर आपको दो स्टॉप लाइट और दो इंडिकेटर देखने को मिलता है। दोस्तों, इंटीरियर और सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करो तो इसमें एक ड्राइवर और तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो इसका जो डैशबोर्ड है वो काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी ये कार पूरी लग्जरियस देखने को मिलती है। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो इस कार में एयर कंडीशन भी दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है और साथ साथ इस कार में पावर स्टीयरिंग और जो विंडोज दिए गए हैं वो भी पावर स्टोरिंग विंडोज दिए गए हैं। इस कार के जो डोर्स है वो ऊपर की तरफ खुलते हैं जो कि ये काफी अच्छी बात है इंडियन कस्टमर के लिए। दोस्तों, पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 LTR का 3 सिंगल सिलेंडर 1200 सीसी का रियल डीजल इंजन देखने को मिलता है और यह 66 हॉर्स पावर और 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। माइलेज की बात करें तो यह कार 20+ kmph का माइलेज देती है। दोस्तों, डायमेंशन की बात करें तो इस कार में 3099 mm लंबाई, 1495 mm चौड़ाई और 1652 mm की ऊंचाई और 2230 mm के व्हीलबेस के साथ आती है और ये एक स्मॉल कार है जिसकी वजह से इसमें दो डोर्स लेफ्ट और राइट में दिए गए हैं। दोस्तों, ब्रेक सस्पेंशन की बात करें तो इस कार में फ्रंट में 180 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 180 mm ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। दोस्तों, फ्रंट और रियर ट्रैक की बात करें, फ्रंट ट्रैक 1325 mm यानी 52 इंचेस और रियर ट्रैक 1350 mm यानी 51 इंच और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm दिया गया है। दोस्तों, फ्रंट सस्पेंशन में मैक फेरसन स्ट्रंट और रियर सस्पेंशन में इंडिपेंडेंट कोइल स्प्रिंग दी गई है। दोस्तों, बात करें व्हील्स एंड टायर्स की तो इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, बात करें कार की लॉन्चिंग के बारे में तो ये शायद इस साल के लास्ट में या अगले साल लॉन्च हो सकती है क्योंकि कंपनी ने लॉन्चिंग के बारे में कोई भी अभी तक बात नहीं की है। दोस्तों, बात करें प्राइस की तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो है 2 से 2.5 लाख के बीच होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय।